गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आई हैव ऑलरेडी टॉट अबाउट द सब्सटेंस डेवलपमेंट। मैं आपको ऑलरेडी ही सब्सटेंस डेवलपमेंट को पढ़ा चुका हूँ। उस सब्सटेंस डेवलपमेंट के अंदर मैंने आपको रिफाइन किया था कि एक ऐसा डेवलपमेंट जो एनवायरमेंट को बिल्कुल नुकसान ना पहुँचाए और जो है आप उन चीज़ों को यूटिलाइज कर लें जो आपके लिए जरूरत है, ओके, एंड विदाउट डैमेजिंग ऑफ एनवायरमेंट and it's utilized for your needs. Second, sir, it's provide the generations. It's provide to the generations. ये ऐसा development होना चाहिए कि ये जो है आपको आने वाली generations को provide करा सके. So इसलिए जो है global level पे एक earth सम्मेलन एडॉप्ट किया गया, इसको कहा गया रियो जेनेरियो अर्थ समिट 1992। इन दिस कॉन्फ्रेंस इज ऑर्गेनाइज रियो डी जेनेरियो सिटीज ऑफ ब्राजील। मेन एम आर फर्स्ट is environmental protections and social economical development at the global level. इसका पहला उद्देश्य ये था कि आपको जो है आपके social और economical development को protect किया जाए and आपके sustainable development को global level पे बढ़ाया जाए। जैसे कि for example as अगर water utilize करते हैं आप तो water का explode ना करें, आने वाली generations को लिए आप क्या करें, save करें, ताकि आने वाले जनरेशन भी उसको क्या करे, यूटिलाइज कर सके। मीन दैट द इट्स एम आर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ओके। सेकेंड इज द डिक्लेरेशन ऑन ग्लोबल क्लाइमेट चेंज एंड बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। आपको पता है कि क्लाइमेट जो चेंज हो रहा है, क्लाइमेट चेंज होने के पीछे क्या रीजंस है, ग्लोबल वार्मिंग। अब जैसे ही वो आपके एटमोसफेयर में कार्बन ज़्यादा होगा तो आपका टेम्परेचर, अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज होगा, यानी राइज द टेम्परेचर इज कॉल्ड द क्रिएट ऑफ हाई ग्लोबल, मतलब इट्स द क्रिएट द ग्लोबल वार्मिंग। आपके टेम्परेचर की वजह से ही, हाई टेम्परेचर क्रिएट होने की वजह से आपके ओजोन जो लेयर है उसका होल जो है क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। उससे अल्ट्रावायलेट जो किरणें हैं वो डायरेक्ट आपके यहाँ इंटर कर जाएंगी और वो डिफरेंट टाइप के डीचेस को क्या करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे, क्लियर। तो एंड बायोडाइवर्सिटी मीन्स दैट विभिन्नता, हर चीज विभिन्नता है, फ्लोरा एंड फौना मीन्स एंड वाइल्ड टाइप्स रिलेटेड। बायोडाइवर्सिटी इज अ रोल प्ले ऑफ ह्यूमन बींग्स लाइफ एंड फ्लोरा एंड फौना। ये जो है आपकी बायोडाइवर्सिटी जो है इसका रोल जो है आपकी ह्यूमन लाइफ्स में भी, आपके प्लांट्स और आपके एनिमल्स में भी, उसके लिए बहुत नेसेसरी है। विदाउट यू नो दैट्स द इट द रोल ऑफ द इकोसिस्टम। आप जानते हो कि बायोडाइवर्सिटी का जो रोल भी होता है इकोसिस्टम में इंपॉर्टेंस है। नेक्स्ट आर द प्लानिंग, रिसोर्स प्लानिंग। व्हाट इज द रिसोर्स प्लानिंग? रिसोर्स प्लानिंग, व्हाट इज द रिसोर्स प्लानिंग? मीन दैट द प्लान्स हाउ टू यूटिलाइज टू रिसोर्स और योर नीड। कैसे आप अपने रिसोर्स को, जो आपके पास रिसोर्स है उसको आप यूटिलाइज करेंगे। सपोज दैट यू हैव द 100 रुपीज, आपके पास 100 रुपया है और आपको परचेज करना है लॉट ऑफ थिंग्स, तो क्या करते हैं, मेक योर प्लान्स अकॉर्डिंग योर नीड। आप अपनी जरूरत के अनुसार एक प्लान प्रिपेयर करते हैं और उसको क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, यूटिलाइज करते हैं, उसके अकॉर्डिंग डिवाइड, अपने पैसों को डिवाइड करते हैं और उसके अनुसार आप सामानों को परचेज करते हैं। इट्स मेक बी ए प्लान्स, क्या करते हैं, प्लान बनाते हैं। सो इन दिस टॉपिक, इस टॉपिक में भी हम क्या करते हैं, रिसोर्स को भी जो हम प्लान करते हैं कैसे उसको हम यूटिलाइज करेंगे।
In planning resource, we have adopt the various type of subject. इस प्लान में हम इस रिसोर्स ऑफ प्लानिंग के अंदर इस सब्जेक्ट अनेक सब्जेक्ट को हम अडॉप्ट करते हैं. पहला, इस सब्जेक्ट के अंदर हम पहले फर्स्ट द आइडेंटिफिकेशंस करते हैं, हाउ मच क्वांटिटी एंड क्वालिटीज. कितना है आपके पास, क्वांटिटी कितनी है अक्रॉस ऑफ कंट्री, अक्रॉस द रीजन्स ऑफ कंट्री, एक रीजन्स में रिसोर्स आपका कितना है. वन रीजन्स हैव द रिसोर्स एंड हाउ मच द क्वांटिटी एंड द क्वालिटीज. कैस कितना उसके पास क्वांटिटी है, कितनी मात्रा में है एंड हाउ कैसी क्वालिटी है. यू नो दैट्स यू, आपको पता है कि एक अगर हम क्रस्ट माइनिंग करते हैं, इन क्रस्ट माइनिंग अगर सपोज मान लीजिए हम कोल का क्रस्ट माइनिंग करते हैं, तो कोल कई टाइप्स के होते हैं, एंथरसाइट, बेटोनियस टाइप के कोयले होते हैं, मेटलर्जिकल कोयला भी होता है. मतलब दिस इसकी कौन सी क्वालिटी इस प्रॉपर रीजन्स में आपको मिलती है, एक प्रॉपर रीजन्स में उसकी कितनी मात्रा है, कितनी क्वालिटी है और किस टाइप की क्वालिटी है, इसको हम डिफाइन करते हैं आइडेंटिफिकेशंस में. और इसके लिए वी कैन यूज द मैप. क्या यूज करते हैं, मैप यूज करते हैं, ड्रा द मैप, एक मैप बनाते हैं एंड देन आफ्टर द क्रिएट द इंस्टीट्यूशंस सेट अप ऑन दिस रीजन्स. और उसी रीजन पे जहाँ पे रिसोर्स आपको मिलता है, हम वहाँ पे क्या प्रोवाइड कर, वहाँ पे एक अपना इंस्टीट्यूशन, एक अपनी कंपनीज को हम लोग लगाते हैं. सेकेंड इज द मेजर्स ऑफ रिसोर्स. जो भी रिसोर्स होता है उसको हम मेजर मापन करते हैं. देन आफ्टर डेवलपमेंट प्लान्स विथ कोऑर्डिनेशंस, मेक बी द कोऑर्डिनेशन विथ द नेशनल डेवलपमेंट प्लान्स. और इसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, जो आप डेवलपमेंट प्लान्स बनाते हैं उसको विथ द कोऑर्डिनेट, किसके साथ कोऑर्डिनेट करते हैं, तो नेशनल डेवलपमेंट प्लान के साथ कोऑर्डिनेट करते हैं. इस प्रोसेस पे हम इसलिए हमको जो है एक प्लान बनाने की जरूरत होती है. विदाउट प्लान्स, बिना कोई भी प्लान बनाए हम कैन नॉट बी सक्सेस इन डेवलपमेंट. हम कभी भी बिना प्लान बनाए डेवलपमेंट के अंदर सक्सेस नहीं हो सकते. सो नीड ऑफ द रिसोर्स ऑफ द प्लानिंग, इसलिए हमको एक प्लान बनाने की जरूरत होती है. So next topic will be land resources. It will be discussed in next videos. Okay.